अच्छा करें दिन को पुरस्कार दो, बस यही काम करते रहते हैं। इस तरह की मान्यता बहुत सारी दुनिया में लोगों में है कि भगवान ही सब कुछ करते हैं, भगवान ही बचाते हैं, भगवान ही सबको परेशान करते हैं। जो गलत काम करता है उनको परेशान करते हैं और जो अच्छे काम करते हैं उनको पुरस्कार देते हैं, उनका सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ऐसी अनेक लोगों की मान्यता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बहुत सारे दुनिया के सभी धर्मों की इसी तरह की विचारधाराएं हैं। लेकिन जैन धर्म कहता है कि नहीं, कोई किसी का भगवान कुछ करता नहीं है, ये जो भी संसार का जो भी काम हो रहा है, एक तो स्वयं परिणमित वस्तु की व्यवस्था है और दूसरा जो प्रत्येक व्यक्ति के साथ जो व्यक्तिगत जो कार्य हो रहा है वो सब उसके स्वयं के ही कर्मों के फल रूप उदय का कार्य है, फल मिलता है उससे। तो बात आई थी कि क्या ईश्वर इन कर्मों का फल दाता है, तो बात हो गई थी कल विस्तार से, इन कर्मों का फल दाता ईश्वर नहीं है। तो बात दूसरी उठी, क्या इनका फल दाता कोई कानून है दुनिया का, तो बात उठी कि कानून भी कर्मों का फल दाता नहीं हो सकता है, क्योंकि वह भी सही निर्णय नहीं कर सकता है। कारण यह है क्योंकि वह सबूतों के बल पर चलता है, विटनेस गवाह चाहिए और गवाह और सबूत तो खरीदे जा सकते हैं, गलत भी बोले जा सकते हैं, कुछ भी बनाए जा सकते हैं, इसलिए उनके आधार से निर्णय लेने वाला सही निर्णय नहीं दे सकता है, तो सही निर्णय कानून भी नहीं दे सकता। तो फिर क्या समाज, समाज भी वही भी रागी वैसी है, अपने अपने पक्ष के अनुसार निर्णय करती है या तो गवाहों के अनुसार निर्णय करती है, इसलिए वह भी ईमानदारी से 100% सही निर्णय नहीं दे सकती, किसी का हिसाब किताब बराबर नहीं कर सकती। तो फिर अब एक ही बचा, कौन कर्म, उद्गल कर्म जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, तो उद्गल कर्म जो है जड़ कर्म है, क्या वह कर्मों का फल देता है स्वयं, है तो उद्गल, जानता देखता तो है नहीं, जानने देखने की शक्ति है नहीं और सबको फल देगा। बहुत लोगों को प्रश्न उठता है कि जो उद्गल जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं, जिसकी ना आंखें है ना कान है ना मुंह है, कुछ नहीं है, ना उसके अंदर चेतना है, कुछ भी नहीं है, तब भी ना जानते हुए भी वह कर्मों का फल तो स्वयं ही फल देता है, ऐसा कैसे संभव है? लोगों को समझ में नहीं आता है, भरोसा नहीं होता है कि पुद्गल कैसे कर सकता है। लेकिन आज अपनी अनेक दृष्टांतों से, तर्कों से, युक्तियों से यह चर्चा चलेगी कि वास्तव में कर्म स्वयं ही फल देता है, भले ही वह पुद्गल क्यों ना हो, जड़ क्यों ना हो, अचेतन क्यों ना हो। कैसे, अब जरा अपन विचार करें, छोटे छोटे से उदाहरणों से अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे, आप बहुत ध्यान से सुनना और जहां यदि आपको लगता है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। बाकी अभी तो एकदम सरल सरल उदाहरण चलेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि वह जड़ कर्म उद्गल होते हुए भी, अचेतन होते हुए भी स्वयं में फल देने की सामर्थ्य उसमें स्वयं में है। कैसे, जैसे अपन देखें जिस प्रकार बिजली के दो तार हैं, एक तार को दूसरे तार में, वायर को दूसरे वायर में टच किया, क्या होता है? होता है क्या, गजब है कि उन पुद्गलों में इतनी ताकत है, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल से स्पर्श करता है तो उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बिजली उत्पन्न हो जाती है, बिजली आ जाती है, करंट आ जाता है, ठीक है, जो भी हो, मतलब एक पुद्गल का एक पत्थर को दूसरे पत्थर में लगाया, चिंगारी निकलती है, आग बन जाती है, क्या गजब है, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल से टकराता है। जंगलों में एक वृक्ष, इतने सारे वृक्ष होते हैं, आपस में टकराते हैं तो वृक्षों के आपस में घर्षण से टकराने से वहां पर भी जंगलों में आग लग जाती है, कितना चमत्कार है। ये पुद्गल है, एक पुद्गल होते हुए, अचेतन होते हुए इनको कहा है, यद्यपि ये अचेतन तो है, चेतना से शून्य है, लेकिन एक शक्ति शून्य नहीं है, क्या बोले, जो उद्गल होते हैं वो चेतना से शून्य अवश्य होते हैं लेकिन शक्ति से शून्य नहीं होते, उनमें शक्ति होती है, ताकत होती है, उनके प्रभाव से बहुत कुछ काम होते हैं दुनिया में। जैसे और कुछ कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे यदि हमारा कुछ सिर दर्द हो रहा हो, पेट दर्द हो रहा हो, कुछ भी शरीर में तकलीफ हो, दवाई खाते ही असर होता है कि नहीं, आराम मिलने लगता है, उद्गल की शक्ति हुई कि नहीं, किसकी शक्ति है, उद्गल की शक्ति
है, उसका प्रभाव इतना है, ऐसा निमित्त निमित्त संबंध है कि उसके प्रभाव से कुछ न कुछ लक्षण हो जाता है। आजकल तो पता नहीं कितने कितने पुद्गलों के प्रभाव दिखाई दे रहे हैं, लौकी में एक इंजेक्शन लगाया और इतनी बड़ी हो जाती है, आपने देखा होगा। कितनी मार्केट में आजकल कितनी सब्जियां आ रही हैं, चाहे वो तरबूजा हो, चाहे लौकी हो, चाहे और भी इतने फल फ्रूट्स हो, केले में इंजेक्शन लगाओ पक जाता तुरंत। ये सब किसका प्रभाव, ये पुद्गलों की शक्ति है कि नहीं है? उद्गलों में ऐसी शक्ति है कि एक एक छोटे छोटे से उनके काम करने से बहुत सारा प्रभाव दिखाई देता है, परिवर्तन दिखाई देता है। तो अपन जरा सोचे कि जब इन पुद्गलों में ऐसी शक्ति दिखाई देती है तो जो जड़ कर्म है वही पुद्गल है, और वो पुद्गल होते हुए उसमें ऐसी शक्ति क्यों नहीं? जब इनमें ऐसी शक्ति है कि इनके निमित्त से कुछ परिवर्तन होता है, भूख लगी है दो चार रोटी पेट के अंदर डालो, भूख शांत होती कि नहीं होती? किसने कराई? अभी वो अध्यात्म की भाषा नहीं चल रही है, नहीं तो अभी हुआने का रोटी खाने से तो भूख मिटती नहीं। बात 100% वो सही है, अभी प्रकरण कुछ अलग है। नहीं तो कई लोगों को आदत होती है बिल्कुल खींचतान की, क्या पढ़ा रहे हैं, रोटी खाने से भूख मिटती है, अन्य अन्य भाव नहीं समझते खाए की पंडित। बहुत बहुत बड़ी समस्या है। तो कहां कौन सी अपेक्षा है, कहां किस पर हमें बल देना है, वहां जो प्रकरण चल रहा है प्रकरण के अनुसार ही विषय चलेगा। ऐसा नहीं कि कहीं इधर चल रहा है कर्मयोग का आगम का विषय निमित्त प्रधान कथन और वहां पर अरे सब सब मिथ्या प्रचार है, तो अज्ञानी है, इनको कुछ नहीं आता, गुरुदेव को लेने पड़े नहीं, सब पढ़ा है हमने गुरुदेव। गुरुदेव यदि कर्म सिद्धांत लेते उस समय इसी तरह का व्याख्यान करते, लेकिन उन्होंने अध्यात्म की मुख्यता दी तो वहां वो विषय निकला। तो वहां अपनी जगह वो विषय सही है और यहां भी प्रकरण के अनुसार ये विषय सही है, तो हमें दोनों बातें ध्यान रखना है। अब जरा अपन देखें पुद्गलों की शक्ति, ये इसके पहले एक दो उदाहरण हमने दे चुके हैं, यहां के लिए रिपीट करता हूं छोटे छोटे से उदाहरण। एक उदाहरण कि अपन भोजन करते हैं, ऑटोमेटिक शरीर के सभी अंगों में पहुंच जाता है, कोई ब्लड रूप में बदल जाता है, कोई हड्डी रूप में, चर्बी मांस मज्जादि रूप में चला जाता है, और कुछ जो अचरा कचरा बचता है वो मलमूत्र आदि के माध्यम से निकल जाता है। तो ऑटोमेटिक उद्गल अपना काम करता है। दवाई खाते हैं, सिर दर्द धर है, खाते कहाँ है, कहाँ खाते करो, सदर यहाँ सिर में, कहाँ खाते हैं? हाथ दर्द है तो दवाई कहाँ खाएंगे? दर्द कहीं पर भी हो, शरीर के किसी भी कोने में हो, दवाई मुंह से ही खाई जाती है और मुंह से खाई जाती है, और वो उस दवाई का असर उस जगह पर काम करता है। क्या गजब है चमत्कार, नहीं तो क्या पुद्गल का? अरे पुद्गल के चमत्कार यदि अपन देखेंगे तो भी सब सोचना पड़ जाएगा कि पुद्गल के ऐसे भी चमत्कार है। अब मैं कुछ कुछ उदाहरण ऐसे देता हूं, थोड़ा साइंस के अंदर जाए, आप लोग साइंस के विद्यार्थी पहले रहे होंगे, अब भले ही नहीं रहे ज्यादा, होने को अभी भी कोई कोई ज्ञानी है यहाँ साइंस के, थोड़े से उसकी अध्येता है, थोड़ा बहुत जो नॉलेज रखते हैं वो जरा देखें, और कुछ प्रैक्टिकल भी है। अब मैं कुछ ऐसे उदाहरण दे रहा हूं जो आप खुद बोलेंगे कि पुद्गल में इतनी ताकत है, पुद्गल की शक्ति। एक तो अपन यदि धर्म के हिसाब से विचार करें तो आपने सुना होगा कि एक पुद्गल परमाणु में इतनी ताकत है कि लोक के एक कोने से दूसरे कोने में 14 राज्य गमन कर देता है। कौन? पुद्गल। क्या ताकत है? यदि वो पुद्गल स्कंद आदि रूप परिणमित हो जाए और उसमें इस तरह की भी शक्ति आ जाती है कि वही जो पुद्गल परमाणु है परमाणु बॉम्ब का काम करता है, कहीं भी पटक दो, यहां से वहां पटक दो तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं, सब उड़ जाते हैं, पता ही चलता है। किसके कारण से? पुद्गल के कारण। पुद्गलों में इतनी ताकत होती है। यदि वो अपनी शक्ति रूप से परिणमित हो जाए तो क्या नहीं कर सकते, बहुत परमन उनमें बहुत तरह की शक्तियां होती हैं। अब जरा देखना कुछ साइंस के आलोक में, साइंस के क्षेत्र में आप लोगों ने भी जहां जहां देखा हो सुना हो जाना हो। एक उदाहरण, फर्स्ट रिमोट यही लगाया था, स्क्रीन यहां ये कुछ बदलने के लिए यहां कुछ उंगली लगाना पड़ती, किसी को नहीं लगाना पड़ती, दूर से ही काम होता ना,
किससे काम होता है? रिमोट से काम होता है। रिमोट उसने उसको छुआ इतने दूर से, दूर से बटन दबाते ही क्या गजब है कि प्रोजेक्टर हो चाहे टीवी हो चाहे कोई भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें दुनिया में रिमोट का बटन दबाते ही उसमें कितनी ताकत है, उतने दूर रहने वाली चीज काम कर जाती है। यही बटन दबाओ गाड़ी का लॉक हो जाता है। आजकल गाड़ियां तो ऐसी नहीं, बटन दबाओ रिमोट ही है। रिमोट मैंने पता क्या होता आपको? हाँ क्या होता है रिमोट माने वो रिमोट होता है, क्या होता है वो रिमोट, इसे बटन दबाते हैं यही ना। ऐसा रिमोट होता है, रिमोट का मतलब होता है दूरी। क्या होता है? दूरी। दूर से जो काम करता है उसको कहते हैं रिमोट। ये डेफिनेशन है, अपने आज तक सुनी नहीं, वैसे ही जाना है रिमोट रिमोट रिमोट। लेकिन क्या रिमोट का मतलब क्या नहीं पता। दूर से ही बटन दबाते ही उतनी दूर तक की चीजें प्रभावित हो जाती है। ये चमत्कार नहीं तो किसका चमत्कार है? किसका चमत्कार है? पुद्गल का चमत्कार है। अब देखना जरा पुद्गल के और चमत्कार। ऐसे ऐसे पंखे बन गए आजकल के, बोलते हैं चल चल लग जाते हैं। आप लोगों ने इधर अपने इंडिया में, हो सकता है यहाँ तो नहीं आते जल्दी सामने, कहीं कहीं आ गए उत्तर देशों में, कई जगह चल रहे हैं, चल चलने लग जाता, रुक रुक जाता है, लाइट ऑन चल जाती है, ऑफ बंद हो जाती है। क्या गजब है, बोलने मात्र से आपको भरोसा नहीं हो रहा। तो मैं एक ऐसा उदाहरण दूंगा आपको लग जाएगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। कैसे? मोबाइल में अपन वो दबाते ना जय जिनेल, लिख जाता कि नहीं? अरे जब अपन बोलते हैं और उसमें लिख जाता है ऐसा हो सकता है, तो बोलने पर चलने चलने लग जाए, इसमें क्या आश्चर्य? ऐसा हो रहा है, बोलने पर लिखा जा रहा है, बोलने पर वस्तुएं वैसा काम कर रही हैं। और एक बोल कौन रहा है? जीव बोल रहा है कि पुद्गल? ये जो भाषा वर्गणा है पुद्गल ही तो है। ये पुद्गल का इतना आपस में कनेक्शन है कि उसके बोलने मात्र से उसमें ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वो अपने आप ऑटोमेटिक काम करती है। और उदाहरण तो ऐसे भी, ये चीजें तो आप लोगों ने भी देखी होगी, हमने तो खूब देखी, आप लोगों ने भी देखी होगी। नल कहीं पर लगा है, उसके नीचे हाथ करो, ऑटोमेटिक पानी आ जाता है। अपन ने चलाया? बिल्कुल नहीं चलाया। नल के नीचे हाथ लगाओ पानी तुरंत आ जाता है, और हाथ हटाओ और पानी क्या गजब चमत्कार है। ये किसका चमत्कार है? पुद्गल के चमत्कार है। उसमें ऐसी शक्ति होती है ऑटोमेटिक कि वो जान लेता है कि इसको पानी चाहिए, एंड आई विल गिव वॉटर। नल क्या बोलता है? आई विल गिव वॉटर टू यू, बट वेन यू रिमूव योर हैंड आई विल गो। मतलब जब ये हाथ उठाएगा, हाथ हटा लेगा तो मैं वापस चला जाऊंगा। उसको पता है, हिंदी वालों का भी पता है और अंग्रेजों वालों का भी पता है। आपको पता है, हिंदी भी जानता है, इंग्लिश भी जानता है, संस्कृत भी जानता है। ऐसा थोड़ी होता है कि हिंदुस्तान वाला करेगा तो आ जाएगा और अंग्रेज करेगा तो नहीं आएगा। उसे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे किसी भी इंग्लिस्तान का हो, चाहे कब्रिस्तान का हो, कहीं किसी भी स्थान का हो, कहीं का आदमी हो। और यदि वह नल के सामने हाथ लगाता है तो पानी आता है, और जब हाथ हटाता है तो पानी चला जाता है। ये किसकी ताकत है? मैंने पुद्गल को ऐसा आभास है, अचेतन है वो, अचेतन, अचेतन होते हुए, जड़ होते हुए, पुद्गल होते हुए भी उसमें ऐसी शक्ति होती है कि अपने आप ही वो काम करने लग जाता है। क्या गजब चमत्कार है। हमें तो ये हमें पुद्गलों की जो शक्ति का ज्ञान इसलिए कर रहे हैं कि हमें बात करना है, सिद्ध करना है कर्म की शक्ति का। जब ये सड़े अड़े सड़े से पुद्गलों में इतनी ताकत है तो कर्म में कितनी ताकत नहीं होगी। वो भी काम करता है। और उदाहरण में और देखो जरा, भी आपने देखा होगा फिंगरप्रिंट, थंब इंप्रेशन, आजकल अटेंडेंस हो रही ना स्कूलों में, कई ऑफिसों में, कहां कहां दुनिया भर में सब जगह लग गए। कोई कोई देखा कि सुबह में लगाने गया था, लगाया था ना तुमने कुछ अटेंडेंस ली किसी किसी की नहीं। ये सुबह गया उसने सोचा कॉलेज में लगा ना, वहां वो अटेंडेंस डालते स्टाफ वाले, तो सुबह ने सोचा कि मैं भी डाल देता हूँ। अटेंडेंस दबाया, खूब दबाया, कुछ हुई नहीं। अब ये जब कभी बच जाएगा ना, कभी कहीं ऑफिस ऑफिस में जाएगा तो ये कहेगा किसी से, भैया तू मेरी अटेंडेंस डाल देना,
में डाल देना। कैसे कैसे कैसे? कुछ नहीं, अंगूठे लगा देना। क्या है अंगूठे? तुम्हारे अंगूठे लगा देंगे तो काम हो जाएगा। मैं अपना लगाऊंगा तो हाँ, उसमें क्या अंगूठे पे लगा के उसमें क्या होगी अटेंडेंस? बने नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसको पता है, पहचानता है वो, ये अंगूठा नहीं है ठाकुर, वो अंगूठा ये तो किसी और का है। गो, आई विल नॉट एक्सेप्ट यू बिकॉज यू आर नॉट शुभम, यू आर आई डोंट नो हु आर यू। अरे वो नहीं जानता, वो थोड़ी जानता कि नमन, लेकिन तुम शुभम नहीं हो इतना जरूर जानता है। क्या चमत्कार है, पुद्गल के अंदर भी ऐसी शक्ति है कि वो सबके हाथ अंगूठे जानता है। दुनिया के यदि करोड़ों लोग भी जिसका वो उसने पासवर्ड सेट कर दिया है, करोड़ों अरबों लोग भी उसकी जगह जाके अंगूठा लगाएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसको पता है, है? क्या ताकत है पुद्गलों की शक्ति का, आंखों के रेटिना से। ये जो आजकल जो आधार कार्ड में लेते हैं सबकी आंखों की फोटो खींचते, तो क्यों सबकी आंखों के जो रेटिना वो सबके अलग अलग होते हैं, किसी से कोई मैच नहीं करता है। उसमें भी ऐसे आजकल ऐसे पासवर्ड डल गए तो उसकी आंखों के वो सामने आएगा तो तुरंत वो ओपन हो जाएगी वो चीज। प्रभावित हो रहे आजकल, क्या बोले, हार्ट पर से बहुत सारी चीजें हो रही है। तो इन सब चीजों से भी हम पुद्गलों की शक्ति को जान सकते हैं। और देखें जरा उदाहरण, थर्मामीटर का तो सबको पता है, प्रैक्टिकल यही होगा सबने, इधर लगाओ और बताया है कितना टेम्परेचर है, कितना बुखार है, 99, 100, 101, 102, 100। किसके पास जाने की जरूरत है? डॉक्टर के पास जाने की जरूरत? डॉक्टर तो आजकल बताते ही नहीं है, वो तो पूछते रहते हैं तुम्हें क्या हो गया, उनको तो पता ही नहीं रहता आजकल के डॉक्टर। पहले ऐसे होते थे ना कि हाथ पकड़ के बता देते थे तो ये है और ले जाओ भाई। आजकल तो यही सब गड़बड़ हो गए, सामने हबल सब डॉक्टर बन जाते हैं और वे सब कुछ बन जाते हैं। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या मतलब है? तुमने सब पूछ लिया और फिर कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, दोपहर में क्या खाया था, सुबह क्या खाया था, अच्छा अच्छा ये हुआ था, ये 3 दिन की दवाई ले जाओ ठीक हो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर से आ जाना मैं दूसरी दे दूंगा। ऐसा नहीं, लेकिन वो थर्मामीटर है वो क्या गजब का काम करता है, वो लगाते ही वो बताता है बुखार कितना है, उसमें भी कितनी बुखार को पकड़ने की ताकत है, एक पुद्गल की ताकत है, क्या गजब है। एक बैरोमीटर का नाम सुना होगा किसी ने, जानते हो बैरोमीटर क्या होता है रोहित? उम्मीद थी कि तुम बताओगे। बहुत सिंपल, अपन को क्या है पता, सब है, लेकिन वो शब्द नहीं पता कई बार। बैरोमीटर होता है ये मौसम की जानकारी देता ना, कितना टेम्परेचर है, अभी क्या तापमान चल रहा है। हम ये तो पता है कि क्या तापमान चल रहा है, उससे पता चल जाता है, उससे मोबाइल में पता चल जाता है, वो घड़ी आती है कई प्रकार की, उससे पता चल जाता है क्या टेम्परेचर चल रहा है। तो वही कह रहा था बैरोमीटर, उससे मौसम की जानकारी प्राप्त होती है कि कितना टेम्परेचर यहाँ पर है, कितना प्लस में, कितना माइनस में, कितना लो है, कितना अप है, बहुत सारी चीजें। तो ये सारा बैरोमीटर का कमाल है, माने उसमें क्या शक्ति है कि वो मौसम को बता देता है, हम जैसे फेल हो जाए सब, लेकिन वो एक्यूरेट है। और वहां गर्मी है वहां रख दो तो वहां का अलग बता देगा, यहां अंदर यदि ठंडक है तो यहां का अलग बता देगा, जहां जहां रख दो वहां का अलग बता देगा, एसी के अंदर रख दो तो वहां के हिसाब से बता देगा। क्या गजब है कि उसके उसमें ऐसी शक्ति होती है कि उसके अनुसार वो टेम्परेचर वहां का, तापमान वहां का सारा बता सकता है। ये ताकत है बैरोमीटर में। और नाम सुना एक दो, एक राडार यंत्र होता है, जानते हो क्या होता है? हाँ बताओ क्या होता है? हाँ बहुत बढ़िया, गुड। ये जो वायुयानों की जो सूचना देता है ना, वो राडार यंत्र देता है कि कौन सा वायुयान कहाँ है, कितनी गति से चल रहा है, कहां तक पहुंच गया है और कहां तक कब तक पहुंचेगा, कितनी दूरी तय करेगा, क्या होगा, ये सारी जानकारी देता है कौन? माने क्या नहीं है, कहां कहां के पुद्गल को कहां सैटेलाइट लगा दिए, क्या लगा दिए, कितनी सारी चीजें। अब आजकल तो मोबाइल में बटन दबाओ और सारी दुनिया देख लो कि हम कहां बैठे हैं और हमें कहां जाना है, कैसे जाना है। आज कितनी भी सुविधा हो गई,
अपन को कहीं आजकल किसी से एड्रेस पूछने की जरूरत नहीं है, यदि गाड़ी में बैठे हो और मोबाइल अपने पास है, सबके पास ही रहता है, बस वही डाल दो कहाँ जाना है और कहाँ से जाना है, बस मोबाइल बताएगा कि आपको रास्ता यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और वही बता देगा गाड़ी कहाँ से चल रही, यहाँ से चल रही, यहाँ से चल रही, सारा सब कुछ सारी जानकारी दे रहा है। कौन दे रहा है? जीव के भूतगल, सब भूतगल जानकारी दे रहा है। जीव का यहाँ पर काम है ही। अभी तो एक ऐसी गाय बनी है, आप लोगों ने सुना हो, लोह निर्मित गाय, जिसके अंदर रासायनिक प्रक्रिया से ऐसा मटेरियल डालते हैं कि उसमें असली गदू जैसा हो जाता है, जो असली गाय का तो नकली जैसा हो जाए लेकिन उसमें असली जैसा रहता है। आजकल तो इंजेक्शन लगा देते दादा, पता नहीं क्या का क्या से क्या हो रहा है, दूध बढ़ जाता है भैंस में गाय में, इंजेक्शन लगा देते वो गड़बड़ चीज उसके अंदर आ रही है, लेकिन उसमें बिल्कुल असली जैसा। आजकल ऐसे ऐसे यंत्र बन रहे हैं, और ये है रॉकेट है, मिसाइल है, टाइम बम है, बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, इतनी सारी चीजें। हमें इन सब चीजों को देख के समझ में आता है कि पुद्गलों में कितनी ताकत है। एक इंजेक्शन लगाओ सब पता चल जाता है, खुद जहां जहां जिसको लगाओ सब पे असर करता है। लौकी में लगाओ लौकी डबल हो जाएगी, अपन को लगा दे तो जो जो भी गड़बड़ होता है जहां जहां वो सब ठीक हो जाता है। कहीं पर दर्द हो दो चार जगह फिक्स इंजेक्शन लगा देंगे, वहां इंजेक्शन लगाया तो दर्द जहां होता है वहां ठीक हो जाता है, दबाव वहीं के वहीं ऑटोमेटिक पहुंच जाती है। हमें इससे ये सिद्ध होता है, समझ में आता है कि पुद्गलों की कितनी बड़ी कितनी गजब की शक्ति है, और जब पुद्गल परमाणुओं में पुद्गल स्तंभों में इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। पहले तो लोग चिट्ठी डालते रहते थे, आप लोगों ने जमाने देखे कि नहीं देखे पता नहीं, देखे भी होंगे तो चिट्ठियां डाली नहीं होगी कभी, डाली बचपन से ही खिलौने मिल गए मोबाइल के, पहले हम लोगों को 10-10 रुपए वाले को खिलौने मिलते थे, नकली नकली कण 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 बजता रहता था, बटन दबाओ हाँ वही जो भी हो जैसे ऐसे ऐसे गाने बजते रहते थे, चिट्ठियां डालते थे। लेकिन क्या जमाना था गजब का, पूजनी पिताजी चरण स्पर्श, माता जी को चरण स्पर्श, और कैसे हैं भाइया कैसे हैं बहना कैसी हैं, उनको ही प्यार, उनको नमस्ते, उनको दुलार, आपका प्यारा पप्पू। लेकिन अब वो जमाना सारा खत्म हो गया, अब तो सारा जमाना दूसरी चीजों ने ले लिया, लेकिन ये भी मोबाइल के आने से इधर टाइप करते हैं और उधर खटाक बटन दबाया, अमेरिका लंदन यूके कहीं पर भी, क्या चमत्कार है ये, किसके चमत्कार है? अपन में जो पहले वो नहीं लिखते थे ऐसे, अभी भी लिखते होंगे विज्ञान के चमत्कार, झंड बंदा था बटन ऑफ साइन फिक्स था, हिंदी में सो वही इंग्लिश में सो वही, रट लो एक बार 5-6 साल के निकल सब, यह गजब है। तो जो साइंस के चमत्कार देखते थे, विज्ञान के चमत्कार देखते थे, अपन तो देख रहे हैं पुद्गलों के क्या गजब के चमत्कार हैं कि पुद्गलों में इतनी ताकत हो गई है, यहां बटन दबाते और दुनिया के कौन से कोने में कौन बैठा होगा वो सब पता, ये सारी चीजें पुद्गलों से हमें सब ज्ञात हो रही हैं। हमें ये जानना है कि जब इन पुद्गल परमाणुओं में पुद्गल स्कंधों में इतनी ताकत है तो जो कर्म हमने बांधा है उस कर्म में ताकत क्यों नहीं होगी, उस कर्म में स्वयं इतनी ताकत है कि वह स्वयं अपना फल देने में समर्थ है, उसके फल देने के लिए ना भगवान की जरूरत है, ना कानून की जरूरत है, ना समाज की जरूरत है, ना किसी शैतान की जरूरत है, कर्म स्वयं अपने आप में स्वयं समर्थ है जो फल दे सकता है। इसलिए अभी हमने इस प्रकरण से जाना कि कर्म फल खुद देने में समर्थ है, अब अगले क्रम में अपन जानेंगे आगे कर्मों ने पहले पहले किन किन को फल दिए या वर्तमान में किन किन को फल दे रहे हैं। उदाहरण प्रथमान योग के आलोक में हम जाएंगे जरा प्रथमान योग में, और प्रथमान योग की कथाओं से समझने का प्रयास करेंगे कि कर्मों ने एक दिन को किसी को नहीं छोड़ा, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। जय।